नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती 2018 लेवल फर्स्ट वेटिंग प्लस रिसेप्ल के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी 43 मिनट पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया है। और यहाँ पर देखिए, रीट लेवल प्रथम की वेटिंग एवं रिसेप्ल परिणाम जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग को परमिशन के लिए फाइल भेजी जा चुकी है। अनुमति मिलते ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर है, आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो तैयार हो चुका है। और दोस्तों ये फाइल जो है, वैसे दोस्तों रिजल्ट के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसकी अनुमति के लिए ये फाइल भेजी गई है। तो आपके लिए दोस्तों अच्छी खबर है, आपका जो रिजल्ट है वेटिंग प्लस रिसेप्ल जो लिस्ट है वो दोस्तों लगभग तैयार हो चुकी है और चुनाव आयोग को जो है फाइल भेजी जा चुकी है नियुक्ति की परमिशन के लिए। तो आपके लिए दोस्तों अच्छी खबर है। मैंने दोस्तों सुबह भी आपको बता दिया था कि 30 अप्रैल से पहले पहले आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको बता दूं, 30 अप्रैल नहीं, 20 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल 22 अप्रैल कभी भी आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी, ये कन्फर्म मान के चलिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि रीट लेवल प्रथम की वेटिंग एवं रिसेप्ल परिणाम जारी करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग को परमिशन के लिए फाइल भेजी जा चुकी है और अनुमति मिलते ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये जो फाइल भेजी गई है ये नियुक्ति के लिए भेजी गई है। ठीक है, साथ साथ दोस्तों आपको परमिशन भी मिल जाएगी ज्वाइनिंग की। तो आपके लिए दोस्तों दो बड़ी खुशखबरी, एक तो आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है आजकल में, इसके अलावा चुनाव आयोग को नियुक्ति के लिए जो है सरकार ने परमिशन जो फाइल है वो भेज दी है और जल्दी ही चुनाव आयोग अनुमति दे देगा। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।